Hey yo, what's up YouTube? Welcome to my channel. You're watching Alpha Strength and Power. आप लोगों के बाइसेप छोटा दिख रहा है बट ऐसा नहीं है, लाइटिंग का इशू होता है. यानी कई बार जिम में लाइटिंग अच्छी होती है और आप फ्लैक्स करते हो तो आपको आप अपने आप को खुद को बड़े दिखते हो. तो इट्स ऑल अबाउट लाइटिंग समटाइम्स. तो आज का टॉपिक है कि अंडे के बाद सबसे चीपेस्ट और वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन. तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट वेजिटेरियन प्रोटीन अंडे के बाद है. अंडा वैसे तो नॉन वेज में आता है बट उसके बाद अगर कोई खाना चाहे प्रोटीन क्विक सोर्स ऑफ प्रोटीन, बस चम्मच डाली और खा ली, तो वो है पीनट बटर. तो गाइस मैं आपको पीनट बटर के बारे में कुछ बताता हूँ, यानी इसके न्यूट्रिशन फैक्ट के बारे में बताता हूँ. एक्चुअली पीनट बटर में 2 टेबल स्पून में अराउंड 8 ग्राम प्रोटीन होता है. यानी एक अंडा और उससे थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन, एक अंडे से थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन, यानी 2 ग्राम ज़्यादा प्रोटीन, यानी 2 टेबल स्पून में. 2 टेबल स्पून कुछ नहीं होती है. मैं चाहूँ तो आपके सामने ऐसे ही खा जाऊँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. अगर आप 2 टेबल स्पून आप पीनट बटर खा रहे हैं. तो रही बात कार्बोहाइड्रेट्स की, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको 2 टेबल स्पून में अराउंड 6 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. कुछ ज़्यादा नहीं है, लो कार्बी है. आप चाहें तो उसको कटिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, बल्किंग में भी यूज़ कर सकते हैं. मान लो प्रोटीन रिक्वायरमेंट कम हो रही है, अगर आपको प्रोटीन आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट प्रोटीन मैक्रोज हिट करने हैं और थोड़े बहुत कम पड़ रहे, तो आप अपना पीनट बटर खा लो. और गाइस ब्रेड के साथ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में इतनी अच्छा लगता है प्रोटीन, ये पीनट बटर चाय के साथ कोई जवाब ही नहीं है. तो गाइस मैं अपना पीनट बटर कहाँ से लाता हूँ, क्या करता हूँ, तो मैं आपको बता दूँ. आई डोंट यूज़ एनी आफ्टर मार्केट पीनट बटर बिकॉज आई प्रीफर टू मेक इट ऑन माई ओन. तो गाइज मैं अपना पूरा पीनट बटर घर पे ही बनाता हूँ. और मेरा पीनट बटर का डब्बा और शायद आप देख पाएँ, ये है मेरा पीनट बटर. अभी इसमें चम्मच रखी हुई है और मैं सुबह सुबह उठते ही पीनट बटर खा लेता हूँ. कभी कभी जब मेरा मन करता है, जिस दिन हाई कार्ब डे होता है उस दिन मैं खा लेता हूँ. और गाइज मैं बताऊँ, रही बात टेस्ट की, तो आप अगर घर पे बनाएंगे तो आप इसके टेस्ट को अपने अकॉर्डिंग ही मॉडिफाई कर पाएंगे. और जैसे मान लो आपको थोड़ा सॉल्टी पसंद है, वैसे तो सॉल्टी को ज़्यादा अच्छा खास लगता नहीं है, मैंने खाया हुआ है. अगर आपको सॉल्टी पसंद है तो इसमें हल्का सा नमक डाल लो तो ये सॉल्टी हो जाएगा. और अगर आपको इसमें न्यूटेला जैसा टेस्ट चाहिए तो आप उसमें थोड़ा सा कोकोआ पाउडर डाल लेंगे तो ये न्यूटेला जैसा बन जाएगा. बट ये डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं. अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो आप यू कैन ईजिली अफोर्ड दोज एक्स्ट्रा कैलोरीज इन बल्किंग. तो आप चाहे कुछ भी डालें, चाहे चीनी डालें, चाहे कुछ भी डालें, बट मैं फिर भी सजेस्ट करूँगा आप चीनी का कम से कम यूज़ करें, क्योंकि आपको पता नहीं है चीनी ही ऑलमोस्ट आजकल की जितनी भी ये नई बीमारियाँ हैं उनका मेन कारण चीनी ही है. तो गाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप चीनी को ज़्यादा यूज़ ना करें. और सबसे बढ़िया बात कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ प्रोटीन और कितने, यानी जब मन किया ना, अंडे में क्या होता है, अंडा तोड़ो, उसे कुक करो, बॉईल करो, इसमें कुछ नहीं करना. आपका पीनट बटर एक बार रेडी कर लिया, आए चम्मच ली खा गए, उस कुछ नहीं करना. अपने अपने शेक में डाल सकते हैं. इट्स ए गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड इट हैव अराउंड 1.3 ग्राम ऑफ फाइबर. तो यानी एक सुपर फूड टाइप है. बट गाइस इसको भी लिमिटेड अमाउंट में खाएं, ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा कंजप्शन ना करें. और कुछ लोग होते हैं जो इससे भी एलर्जिक होते हैं, पेट ख़राब हो जाता है उनका. लैक्टिन्स, इसमें लैक्टिन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, लीजियम्स होते हैं उनमें लैक्टिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो ज़्यादा कंज्यूम ना करें, अपने कम अमाउंट में ही कंज्यूम करें, 2 चम्मच 3 चम्मच. तो गाइस मैं बता दूँ, ये जो मैंने आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट बताए हैं, ये है आपके 2 टेबल स्पून के. और 1 टेबल स्पून 15 ग्राम की होती है, तो 2 टेबल स्पून हो गया आपका 30 ग्राम. तो मैंने ये आपको 2 टेबल स्पून का न्यूट्रिशनल फैक्ट बताया है. तो गाइस इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि मैं अपना पीनट बटर कैसे बनाता हूँ, कि क्या प्रोसेस होती है पीनट बटर बनाने की. एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो में मैं 110% आपको दिखाऊंगा कि परफेक्ट पीनट बटर कैसे बनाते हैं, माइक्रोवेव में भी और गैस पे भी. सो गाइस जाइए, बल्क कीजिए, कट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस
channel and this video, and please don't forget to share, and I will keep posting the best of the best knowledge that I have gained through all over the sources, from internet, from books and everywhere. And this channel is not about fitness. This channel is is about achieving something day by day, any knowledge, gives pay, personal development, motivational or financial. So guys, please consider me subscribing to this channel, and bye. Lots of love and thank you na sab pyar dene ke liye, itne acche views aa rahe hain video pe, mere liye bahut badi baat hai, bhale hi dusron ke liye ho na ho, mere liye bahut badi baat hai. Please thank you, and thank you for subscribing channel, jo mere abhi tak jitne logon ne subscribe kiya, and please jo bhi ye video dekh rahe hain ya dekhoge, please don't forget to share, subscribe, comment, bye.